दोस्तों जियो फाइबर से रिलेटेड कई सारे वीडियो आपने यूट्यूब में जरूर देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं मिलवाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हेड मिस्टर आशीष चौहान सर, जिनका कई समय से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो 5 मिनट का समय दें और मैं उनका व्यूज आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन बिजी शेड्यूल उनको भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने हाँ कर दिया यूट्यूब की वीडियो के लिए और मैं फटाफट पहुंच गया पूरा सेटअप लेकर के जियो के ऑफिस में। वैसे मैं चाहता था कि वहाँ का व्यूज, वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो आपको कैमरे से कैप्चर करके दिखा सकूँ, लेकिन मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली। लेकिन 5 मिनट का वीडियो उन्होंने उसकी परमिशन दी और मैं उनका व्यूज आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। वैसे उन 5 मिनट की वीडियो में उन्होंने एक भी रीटेक नहीं लिया, यानी कि जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया स्टार्टिंग टू एंड पूरे एक सिंगल टेक में उन्होंने पूरा व्यू, पूरी जियो फाइबर की जो हिस्ट्री है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आशीष सर का वो वीडियो जो मैंने कैप्चर किया है, तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हेड मिस्टर आशीष चौहान सर का पॉइंट ऑफ व्यू जियो फाइबर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जियो फाइबर के बारे में। जियो का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, आज की डेट में अगर हम जियो की बात करें तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्टार्टअप जियो ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें ब्रांड की तो आपको बता दूं या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जियो विश्व का टॉप 10 ब्रांड्स में माना जाता है, 8वें नंबर का ब्रांड है। जी हाँ, 8वें नंबर का ब्रांड है विश्व का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड जियो है। जियो फाइबर की सर्विसेज करीब करीब 6 से 7 साल पहले शुरू गई थी, सभी शहरों में सुविधा नहीं थी। पहले जो ब्रॉडबैंड कंपनियां हुआ करती थी वो उनकी सोच और विचारधारा ये थी कि वो सिलेक्टेड लोग ही ब्रॉडबैंड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक हाई प्राइस पॉइंट पे ही लोग एंट्री कर पाते थे। और करीब आज से 8 या 10 साल पहले अगर आप जाएं तो 1-1 GB डेटा की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन जियो के आने के बाद से और जियो ने जब से फिक्स लाइन में और फाइबर बिजनेस लेके आया, तब से सभी शहरों में रोल आउट करने का थॉट प्रोसेस जियो का शुरू से रहा है, क्योंकि जियो का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही नहीं, वो हर उस कस्टमर के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं अपनी सुविधाएं, अपनी सर्विसेज, जो आज शायद बाकी दुनिया से नहीं जुड़े हैं। आने के बाद हर शहर जब भी हमने लॉन्च किए, चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर हो या छोटा से छोटा शहर हो, सभी जगह हमने लॉन्च किए। इसी कारण जियो आज केवल लखनऊ या कानपुर तक सीमित नहीं है, ये इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, गोंडा, बस्ती, हर छोटे बड़े शहर में जियो की फाइबर की सर्विसेज उपलब्ध है और रीजनेबल प्राइस में, उस प्राइस पॉइंट पे उपलब्ध है जहां हर कोई मात्र 8 या 10 हज़ार रुपए महीने कमाने वाला आदमी भी उसको उसका उपयोग कर सकता है, उसे खरीद सकता है। तो जियो की सर्विसेज में खाली ब्रॉडबैंड की सुविधा ही नहीं, साथ में वॉइस की भी सुविधा है और अभी एंटरटेनमेंट स्पेस में भी हम लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, काफ़ी चीज़ ऐड करी है। जैसे अभी तक आप लोग सिर्फ SD पे नॉर्मल चैनल्स देख रहे थे, HD के लिए आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे और आपको वो देखना होता था जो टेलीकास्ट हो रहा है, मगर जियो फाइबर के आने के बाद और OTT के डेवलप होने के बाद, बहुत सारे OTT ऐप्स आने के बाद, आज आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर बात करूं, इतने सारे OTT ऐप्स हैं, जियो ने करीब करीब 18 OTT ऐप्स दिए हैं। OTT ऐप्स के अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स भी हैं, ताकि सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं उसके साथ एजुकेशन भी ली जाए और अपने बिजनेस को भी बढ़ाया जा सके। बेचने का माध्यम हमारे कस्टमर तक पहुंचने के हमने बहुत सारे जरिए हैं, जिसमें हमारी एक डायरेक्ट फील्ड सेल्स टीम है। इसके अलावा ये जियो से जुड़ने का और जियो के साथ व्यापार करने का मौका हमने हर एक आदमी को दिया है। किसी भी कस्टमर को भी ये मौका मिला है, चाहे वो हमारा एक मॉडल में GLA बन के, चाहे वो हमारे JFA बन के, या एक मॉडल हमारा JDSS का है उसमें जुड़ के, या जियो फाइबर मर्चेंट बन के जियो के साथ जुड़ सकते हैं और जियो के बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पैसे कमा सकते हैं। करेंटली हमारा एक रोल चल रहा है JDSS, जो हमारा फिक्स प्लस वेरिएबल वाला मॉडल है और काफ़ी लोग उस पर ज्वाइन कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास लिमिटेड ही जगह है, लेकिन हमारा एक चैनल है जिसे हम जियो फाइबर एसोसिएट्स कहते हैं, उसके लिए सभी लोग जुड़ सकते हैं। सो मॉडल के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा।
फिलहाल आज के लिए जियो फाइबर की उपलब्धियों के बारे में ही मैंने आपको बताया और कैसे हमने लोगों को जोड़ा है, कैसे हमने डिजिटल क्रांति लाए हैं और कैसे अब एंटरटेनमेंट स्पेस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी देते जा रहे हैं। सो अगले वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मित्र आशीष चौहान। थैंक यू।